कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त धर्म दुबे। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल देसी भारत। दोस्तों, इस समय भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार बन चुके हैं खेसारी लाल यादव जी, जिन्हें ट्रेंडिंग स्टार भी कहा जाता है, जिन्हें हिट मशीन भी कहा जाता है। खास बात यह है कि खेसारी लाल यादव रिकॉर्ड बनाने के लिए बहुत ज्यादा माहिर होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा नाम कमाते जा रहे हैं। जैसे ही इनका कोई भी गाना रिलीज होता है, न केवल बहुत ही सुपर हिट हो जाता है बल्कि ट्रेंडिंग में भी चला जाता है। व्यूज के मामले में तो मिलियन के आंकड़े यू मानिए यू क्रॉस हो जाते हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव जी एक और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो वाकई में तारीफ़ काबिल है। आपने, मैंने, हम सभी ने कभी नहीं सोचा था, न कभी उम्मीद की होगी कि खेसारी लाल यादव फिर अपने उन्हीं सुपर हिट जोड़ों के साथ अपने गाने ले आएंगे, जिन्हें हम देखने की इच्छा तो थी लेकिन देखने का ये कह सकते कि इंतज़ार नहीं था हमें। जी हाँ, आप बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, हम बात कर रहे हैं भोजपुरी की हिट और फिट अभिनेत्री पाकी हेगड़े की। क्या आपने कभी सोचा था कि खेसारी लाल यादव जी जो है वो पाकी हेगड़े के साथ सॉन्ग करेंगे? एक नहीं बल्कि दो सॉन्ग किया और दोनों ही सॉन्ग ने अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम कमाया, रिकॉर्ड दर्ज कराया। बंगलनिया गाना तो आपने देखा ही, ट्रेंडिंग में बना हुआ रहा काफ़ी दिनों तक। और इस गाने के बाद और भी कई सिंगर्स बंगलनिया टाइटल को इस्तेमाल करके कई गाने बनाए और मार्केट में लाए, क्योंकि हो सकता है खेसारी जी के पीछे पीछे उनका भी गाना हिट हो जाए। उसके बाद जो दूसरा सॉन्ग खेसारी जी ने गाया, जवानी जर्दा के पान, ये भी पाकी हेगड़े जी के साथ में ही खेसारी जी ने गाया। यहाँ तक कि खेसारी जी ने स्वीटी छाबड़ा को आप पहचान रहे होंगे, स्वीटी छाबड़ा के साथ सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की एक समय में बहुत ही सुपरहिट जोड़ी रहा करती थी। अचानक से स्वीटी छाबड़ा भोजपुरी सिनेमा से दूर हो गई, दिल्ली जा बसे, लेकिन आजकल वो मुंबई में हैं और फिर एक बार धमाकेदार वापसी कर चुकी हैं। और भी कई प्रोजेक्ट्स और फिल्में और गाने आप स्वीटी छाबड़ा के देखने वाले हैं। हाल ही में होली में खेसारी लाल यादव जी ने स्वीटी छाबड़ा के साथ भी शूट किया। खबर ये भी है कि उनकी खेसारी लाल जी के एक फिल्म में स्वीटी छाबड़ा को भी कास्ट किया गया, असाइन किया गया है, वो भी खेसारी लाल यादव जी के कहने पर। यानी उन पुरानी अभिनेत्रियों को फिर एक बार खेसारी लाल यादव जी जो है अपने मंच पर ला रहे हैं। एक बहुत बड़ी खबर खेसारी लाल यादव जी से जुड़ी हम ये भी बता रहे हैं कि आप खेसारी यादव जी के अगले गानों में और उन तीन बड़ी अभिनेत्रियों को देखने वाले हैं जो कभी खेसारी लाल यादव जी के साथ सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर गाने और फिल्में दिया करते थे। जी हाँ, सबसे पहला नाम हम लेना चाह रहे हैं स्मृति सिन्हा का। जी हाँ, आपको बताएं कि स्मृति सिन्हा के साथ खेसारी लाल यादव जी का गाना आने वाला है। सिर्फ स्मृति सिन्हा के साथ ही नहीं बल्कि अनारा गुप्ता और गुंजन पन के साथ भी खेसारी लाल यादव का गाना आने वाला है। खबर तो ये भी चल रही है कि कुछ प्रोड्यूसर्स चाहते हैं खेसारी लाल यादव जी के साथ रानी चटर्जी को भी एक सॉन्ग में देखना। लेकिन बहुत दिलचस्प ये होगा कि क्या खेसारी जी रानी के साथ भी काम करने के लिए हाँ कहते हैं। वैसे स्मृति सिन्हा, अनारा गुप्ता, गुंजन पंत, रानी चटर्जी, आप अब खेसारी लाल यादव जी को किस अभिनेत्री के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए देखना चाहते हैं? अपनी राय, अपने जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बने रहें देसी भारत के साथ। नमस्कार।